एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉटम लाइन विनर्स। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो हमारी सेकंड वीडियो के कंटिन्यूएशन में है, जो कि है नॉलेज इन करिकुलम पे बेस्ड पेपर वन से एमडीयू से रिलेटेड। जैसे कि हमें पता है कि इस बार हमारा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो जो मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अकॉर्डिंग टू डैश, ट्रू एजुकेशन इज दैट विच ड्रॉज आउट एंड स्टिमुलेट्स द स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल फैकल्टीज ऑफ द चिल्ड्रन। किसने ये कहा गया था या किसके अकॉर्डिंग जो ट्रू एजुकेशन है वो इन सब का डेवलपमेंट लेके आती है चिल्ड्रन में, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल। सो इट इज़ अकॉर्डिंग टू गांधी जी। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है गांधी जी। सेकेंड क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल फिलॉसफी। कौन से इनमें से एजुकेशनल फिलॉसफी के फंक्शन होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका नॉर्मेटिव फंक्शन, क्रिटिकल फंक्शन, स्पेक्यूलेटिंग फंक्शन। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन, एक्सपैंड एनसीईआरटी। ये मैंने एमसीक्यू के फॉर्मेट में नहीं दिया है, बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए। एनसीईआरटी, इफ वी गोना एक्सपैंड इट, इट्स नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। The next question is, the term curriculum has been derived from a Latin word that means curare. So this is your correct option, curricular nahi hai, AC option hai null. So the option, correct option is curare. Next is, the curriculum is defined as, ab hum curriculum ko kaise define karte hain? The courses and class activities in which children and youth engage, total range of in-class and out-of-class experiences, टोटल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्नर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये सभी चीज़ें आपके किसके अंदर इंक्लूड होती हैं? करिकुलम में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। डैश इज द यंगेस्ट फिलॉसफी एंड मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ मॉडर्न फिलॉसफी। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि फिलॉसफी, एजुकेशनल फिलॉसफीज आपकी सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेचुरलिज्म हो, एक्सिस्टेंशियलिज्म, आइडियलिज्म, प्रेगमेटिज्म, सभी को आप अच्छे से पढ़ें और इनमें से एमसीक्यू आपके क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बात कर रहा है यंगेस्ट फिलॉसफी की। तो यंगेस्ट जो आपकी फिलॉसफी है वो है एक्सिस्टेंशियलिज्म, दैट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंस, सेल्फ एक्सप्रेशन। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ द करिकुलम। करिकुलम का नेचर क्या होता है? क्रिटिकल होता है, क्रिएटिव, कंजर्वेटिव या ऑल ऑफ द अबव? वी नो दैट इट इज क्रिएटिव। नेक्स्ट इज, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ। सिलेबस किसका पार्ट होता है? एक्टिविटीज़ का, करिकुलम का या क्लासरूम का? ऑब्वियसली सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंस्ट्रक्शनल मटीरियल इज प्रेजेंटेड बाय करिकुलम। हु सेड दिस या हु स्टेटेड दिस दैट करिकुलम, इंस्ट्रक्शनल मटीरियल इज प्रेजेंटेड बाय करिकुलम? सो इट वॉज स्टेटेड बाय स्मिथ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज, और वॉट वी कैन से इज, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम इज द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, वेदर इट इज इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड सोशल, ईच एंड एवरी डेवलपमेंट कम्स अंडर द करिकुलम। सो करिकुलम बेसिकली है सारी एक्टिविटीज़ जो भी बच्चा स्कूल में कर रहा है, वेदर वो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलर हैं। सो द मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज overall development of children. The next is, component of curriculum is, curriculum के अलग अलग components हैं, objectives, teaching strategies, evaluation या all of the above. So all these are the components of curriculum. Next is, in planning and implementing curricula, school make its selection from. So curriculum is basically based upon the कल्चर ऑफ आर सोसाइटी। जो भी हमारे सोसाइटी का कल्चर है उसी के अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम जो है डिज़ाइन किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चिल्ड्रन। अरेंज द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ अ करिकुलम इन प्रॉपर सीरीज। हमें करिकुलम एक बनाते समय किन किन चीज़ों को, किन किन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, उनको वी हैव टू अरेंज सिस्टमैटिकली। सो यहाँ पे हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहले, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द पर्पसेस, डिफाइनिंग द प्रोसेस, इवेल्युएशन ऑफ द प्रोसेस। सो यहाँ आपको सीरीज दी हुई है कि सबसे पहले सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ? नहीं, हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी विल डिफाइन द प्रोसेस, वी विल सेट आर एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। सो फर्स्ट जो सबसे पहले हम करते हैं, दैट इज वी विल डिसाइड आर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, educational experiences related to the
पर्पसेस, ये होगा आपका सेकेंड, और फर्स्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, इवेल्यूएशन करेंगे अपने प्रोसेस का, दैट वेदर द करिकुलम दैट वी हैव डिजाइंड इज अप टू द मार्क और वो पूरे अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर भी रहा है या नहीं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट. अब मैं आपको एक बार फिर कह रही हूँ कि ये जो टॉपिक है मॉडल, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके अंदर कई सारे मॉडल्स हम पढ़ेंगे. मैं आपको सारे ही मॉडल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगी ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो यू आर एबल टू अटेम्प्ट इट. सो दिस मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट डज नॉट कंसीडर ऑब्जेक्टिव्स टू बी इम्पॉर्टेंट, मीन्स ऑब्जेक्टिव्स को इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती इस मॉडल में. सो क्या वो टाइलर्स मॉडल है, प्रोसेस मॉडल है या ऑब्जेक्टिव? सो दैट मॉडल इज प्रोसेस मॉडल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस मॉडल इज लीनियर इन नेचर, दैट मीन्स इट स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स एंड एंड्स विद इवेल्युएशन. इन दिस मॉडल इवेल्युएशन इज टर्मिनल, मीन्स जो आपका लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, इवेल्युएशन. हम इवेल्युएट करेंगे कि जो हमने करिकुलम बनाया वो बच्चों को बेनिफिट दे रहा है या नहीं, और जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हमने स्टार्टिंग में डिसाइड किए थे वेदर दोज आर बींग फुलफिल्ड और नॉट. सो ऐसा होता है टाइलर्स मॉडल में, T for Tyler's and T for Terminal. So ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, T for Tyler's और T for Terminal, means evaluation इसमें terminal होगा. The next is Dash developed a cyclical model of curriculum development. That means cyclical model basically वो model है जिसमें आप last में evaluation करने के बाद दोबारा अपने goals and objectives को re-change करोगे, उसके अंदर review करोगे, changes करोगे according to your evaluation. So this is basically a cyclic process. So who developed a cyclical model of curricular development? So that was developed by Villos. The next question is, ये आपका MCQ नहीं है but एक छोटा सा आपको idea देने के लिए हर एक model के बारे में मैंने एक question लिखा है. Write a short note on Kurtz model. So Kurtz model क्या है? Kurtz divided the domain into four areas. उसने सबसे पहले तो four areas में divide किया था. First was objective, कि हमें सबसे पहले जो हमारा step होगा वो objective हम determine करेंगे कि क्या क्या objectives हैं. Second would be knowledge, third would be evaluation and the last one would be school learning experiences. So objectives के अंदर further तीन classification है, cognitive, affective and psychomotor. और knowledge के अंदर होगा आपका organized, इंटीग्रेटेड, सीक्वेंस्ड एंड री इन्फोर्स. अब हम वेरी क्विकली सारी मॉडल्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. द फर्स्ट मॉडल इज ऑब्जेक्टिव्स मॉडल, जो कि इट्स अ वेरी सिंपल मॉडल जिसमें हमारे स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एक्सपीरियंसेस होंगे, जो हमने ऊपर अभी सीरीज पढ़ी थी सब कुछ इस मॉडल के अंदर होगा. द नेक्स्ट इज योर प्रोसेस मॉडल, द मॉडल इन विच वी डू नॉट कंसिडर ऑब्जेक्टिव्स. The third model is Tyler's model, T for Tyler and T for Terminal. The model in which evaluation is the terminal step. Next is the Wheeler's model, जिसके अंदर आपने पढ़ा था कि cyclic process होगा, means last में evaluation करने के बाद हम दोबारा अपने aims, goals and objectives को review करेंगे according to our evaluation. Next is the Kurtz model that we have just discussed. I होप ऑल द मॉडल्स आर क्लियर टू यू, एंड इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं उसको. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन रिवॉल्व्स अराउंड. व्हाट डू वी मीन बाय सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन? सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन मीन्स विच विल बेसिकली रिवॉल्व अराउंड कॉन्टेंट, विल रिवॉल्व अराउंड कॉन्टेंट. द नेक्स्ट इज ऑल एक्सपीरियंसिस ऑफ द चिल्ड्रन फॉर होम स्कूल अज्यूम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज करिकुलर एक्टिविटीज़, करिकुलम या स्कूल एक्टिविटीज़. देखिए करिकुलर एक्टिविटीज़ एक पार्ट हो गया, स्कूल एक्टिविटीज़ एक और पार्ट हो गया, बट करिकुलम के अंदर सब कुछ आएगा, वेदर इट इज़ स्कोलास्टिक, कोलास्टिक, तो सब कुछ किसके अंदर आएगा, करिकुलम में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच करिकुलम इज एम्फिसाइज इन एरिक्सन्स थ्योरी. कौन सा करिकुलम वॉज एम्फिसाइज इन एरिक्सन्स थ्योरी? इट वॉज साइको सोशल करिकुलम. The next is cognitive development is a process of, cognitive development is a process of mental development. ऐसे ही आपको cognitive, affective, psychomotor तीनों को पता होना चाहिए. The next is the curriculum is affected by the following factor, government, religious group, ideology of nation. So the correct option is D, all of the above. All these things would affect the curriculum.
द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विच बेसिकली टेल्स अस अबाउट द वॉट ऑल मॉडिफिकेशंस आर नीडेड इन द प्रेजेंट करिकुलम. सो अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द रोल ऑफ अ टीचर हैज़ टू बी अथॉरिटेटिव, परमिसिव या फैसिलिटेटिव. ऑब्वियसली द रोल ऑफ द टीचर शुड बी फैसिलिटेटिव. The next question is, Dash believe that knowledge is personal and subjective and depends on one's own unique perception of the world. That means that theory which basically gives us independence, jo humne padhi thi, existentialist. The next is, an appropriate form of assessing student performance in practicals is